अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात हरिओद जी काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और सन 1884 ईस्वी में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप से कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद ये निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। हरिओद खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में बहुत आदर से लिया जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेमंबु प्रवाह, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून आदि है।